आप सभी को मेरा प्रणाम। वेदांत केसरी सद्गुरु श्री मल्लिकार्जुन महास्वामी जी महाराष्ट्र के सांगली जिले के जत्तु तालुक में 1971 में आध्यात्मिक प्रवचन देने गए थे। वहाँ पर सुबह कैवल्य पद्धति और शाम को परमार्थ गीता प्रवचन कहते थे। स्वामी जी ने कहा, कैवल्य पद्धति का अर्थ है सत चित आनंद नित्य परिपूर्ण स्वरूप परमात्मा को पा लेना और इस संसार के मोह माय से पृथक होना। सद्गुरु के वचन सुनकर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर निश्चित रूप से सद्गति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक रहस्य को जानने के लिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रथम गुरु कृपा पाना आवश्यक है। सद्गुरु शिष्य को ज्ञान और नीति उपदेश सरलता से बताते हैं। बुरा कर्म मत करो, पुण्य कर्म सदा करो। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए सुलभ साधना एक सत्संग है और दूसरा प्रसन्न चित्त से रहने वाले महात्मों को संग है। सभी जीवों पर दया करुणा उपकार करना चाहिए। मनोबल और अंतरंग शुद्धि के लिए नीति सदाचार का पालन करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से घृणा द्वेष नफरत नहीं करनी चाहिए। अपने मनमानी जीवन में नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में करके इन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। इससे ईश्वरी कृपा प्राप्त होती है। जन्म मरण के चक्र को जानकर मुक्ति प्राप्ति करनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। संपदा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने से ज्ञान नष्ट हो जाता है। तत्वज्ञान को अपनी विवेक शक्ति से समझाना चाहिए। अद्वैत शास्त्र का सभी स्थान पर उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने अंदर आत्मचिंतन मनन करके मन एकाकार करके इसको महसूस करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। वेद गुरु भक्ति से अलग नहीं होना चाहिए। मैं कौन हूँ विचार करना चाहिए। यह संसार सम नहीं विषम है। यह संसार एक दीर्घ स्वप्न की भांति है। इस प्रकार स्वामी जी कहा, आध्यात्मिक सुख प्राप्ति के लिए सरल साधन है। वह पर स्वामी जी एक मास तक प्रवचन कहकर अनेक भक्तों को दीक्षा देकर जपयज्ञ करके एक शिवानुभव मंटप बनवाकर एक स्वामी जी को नियुक्त करके गांव का आध्यात्मिक वातावरण निर्माण किए। आज भी स्वामी जी को वहाँ के भक्त लोग और आसपास के गांव वाले भी आज भी स्वामी जी को आध्यात्मिक मार्गदर्शन गुरु मानते हैं। वेदांत केसरी सद्गुरु श्री मल्लिकार्जुन महास्वामी जी के 118वें जयंतोत्सव के पावन शुभ अवसर पर आप सभी को विशेष रूप से हार्दिक शुभकामनाएं।